और बात करते हैं दुर्ग के जेवरा सिरसा पुलिस चौकी की, जहां ग्राम समुदाय से 50 पेटी अंग्रेजी शराब से भरी एक कार को जब्त किया गया है। पुलिस को खबर लगी थी कि अवैध रूप से शराब का सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर कार के साथ आरोपी प्रवीण देशमुख को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2.5 लाख की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एमपी के अमरकंटक से अवैध शराब खपाने के लिए दुर्ग लाया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में जुट गई है। वहां पर लगभग 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त पाई गई, जिसे तत्काल जब्त किया गया और उसके बाद वहीं पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम बॉबी देशमुख है और अन्य आरोपी का नाम भी इसमें पता चला है, जिस पर उसकी पता तलाश की जा रही है।